खबर की खैर नहीं। आज हमारे मेहमान हैं अदाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं हुमायूं नाज। कैसे हैं आप? सलामुअलैकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए आपको क्या सजा दी जाए कि पाकिस्तान के पहले सोप का हिस्सा आप भी थे? काफी हद तक आप चाहें तो सजाए मौत के अलावा सारी सजाएं दे सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके सजाए मौत हो। आपने उस सोप में काम किया, मतलब खींचते चले गए और उसके बाद अब तो वो जो टिसन 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 टिसन। हाँ। लेकिन मैंने सुना आप प्रोजेक्ट बना रहे, उसका नाम बड़ा आपने छोटा सा रखा है। हाँ जी, मैंने एक प्रोजेक्ट अभी तैयार किया, उसका नाम है कट। कट करो यार, मेरा कैमरा कट करो। यहाँ से लेकर कोई फिल्म वगैरह में जब हम सुनते हैं कट, मतलब आपने तो सर अपने इख्तियार में ले लिया। एक्चुअली कट एक स्टोरी है एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की, कि किस तरह वो अपने करियर को एक उस लेवल पर ले जाते हैं जहाँ इस मुआशरे में रहते हुए जो आपको ट्रबल्स पेश आती हैं उसको फेस करते हुए वो आगे एक्सेल करते हैं। अब कट जो है वो बेसिकली आप हमारे मीडिया के हवाले से भी अगर आप ले लें तो आप हर जगह कट के कट हिम आउट, ये कट हो गया है, सीनियर ने जूनियर के सीन कट करवा दिए, आप मेरा कट मुझे घर भिजवा दीजिएगा। मुझे खुद नहीं मिला साहब, अभी करो यार क्या करो। सो वो कट एक बड़ा इम्पोर्टेंट जुमला है हमारी पूरी रोजमर्रा की जिंदगी में, सो उसकी वजह से वो मैंने एक नाम रखा है। लेकिन उसका जो टाइटल सॉन्ग है वो द ब्रिलियंट अली मुइन ने लिखा है और उसका नाम है नाल इबलीस तैयारी। वाह वाह, ये तो कहानी घर घर की हो गई। नाल इबलीस तैयारी। हाँ, उसमें अयूब खावर साहब के एक वोकल्स नरेशंस हैं इबलीस के, और एक स्पिरिचुअल जो जो म्यूजिक है, जो वोकल्स है वो है उस्ताद रियाज के। एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग, कि हमने ये बताने की कोशिश की है कि इंसान इस दुनिया में अल्लाह अल्लाह तो करता रहता है लेकिन साथ में उसकी यारी इबलीस से जरूर रहती है। अच्छा, ये जो जितना भी सिलसिला हो रहा है इसमें डांस म्यूजिक, म्यूजिक का तो आपने जिक्र किया, कोई डांस वगैरह भी है, पार्टीज वगैरह भी है आजकल जो कुछ हो रहा है? हल्के फुल्के कुछ ऐसा, मैंने कोई इतना ज्यादा देखे। एक दो चीजें होती हैं हमारे यहाँ लोग हमारे मुआशरे में, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच माशाल्लाह जिसकी बात करते हैं हम वेस्ट के हवाले से, आई ऑलवेज बिलीव देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन फ्रीडम एंड बिटवीन रिस्ट्रिक्टिवनेस, कि आप मतलब उस चीज को रियलाइज करें। मैंने इसमें थोड़ा बहुत शो जरूर किया है लेकिन उसको वो एलिमेंट नहीं दिया कि वही एक चीज़ है, बिकॉज हमारा जो एक सिस्टम है, हमारा जो एक माशरा है वो बड़ा कंजर्वेटिव है, और माशाल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज आई डोंट बिलीव, आई डोंट लिव इन अ सिस्टम वेयर हम लोग अपने माँ बाप को अपने घरों पर ओल्ड होम्स पर छोड़ आते हैं, या हम लोग फिक्रमंद बगैर हुए हुए हम लोग अपनी जिंदगियाँ परसू कर रहे हैं। हमारा एक सिस्टम बहुत अच्छा है और हमें लोगों को ये तबलीग नहीं देनी चाहिए कि वेस्ट का सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। आई बिलीव कि वो चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट, और उसका अपोजिट जो है, जो वेस्ट के सिस्टम का अपोजिट है, क्या उसकी तबलीग बिल्कुल बहुत जरूरी है? देखिए, आपके हर हर सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट इफ यू मेजर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आवर सिस्टम इट्स अमेजिंग, बिकॉज हमारे यहाँ एक जो कमाल एक वैल्यूज है, मेरे दोस्त बाहर गोरे बहुत फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा मुल्क कभी खत्म नहीं हो सकता। देखिए, गोरा ये एक बात कर रहा है, उसकी वजह ये है कि वो कहता है कि तुम्हारे मॉरल वैल्यूज बड़ी अच्छी हैं फैमिलीज की, तुम लोग अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते भाई, तुम लोग उनकी वैल्यूज और उनके कि वो हमारे हैं, उन्होंने हमें परवरिश की है, ये नहीं कि 18 साल की उम्र में तुम्हें छोड़ दिया कि जाओ जो सियासत करना है करो, गया भगा दिया गया। नथिंग, मतलब मेरे माँ ने मेरे बाप ने मुझे एक बात बताएं, हम माँ का इतना ख्याल करते हैं, माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं, जमीन माँ जो है कुछ हालात, यानी अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 18 करोड़ की आपकी आबादी है, उसमें से मेरा ख्याल है कि 3 या 4 हजार लोग इस माँ के गद्दार हैं। मेरी नजर में लोग मुझसे डिस्कस करते हैं कि चाइना द बिग नेशन, देयर इज अ लॉ ऑफ पनिशमेंट, द डे यू स्टार्ट पनिशिंग दोस पीपल इट विल नेवर हैपन। अच्छा, लेकिन सजा मिले और फिर को माफ कर दे या माफ करवा लें? नहीं, कोई ऐसी मिसाल सुनी आपने पाकिस्तान में जो सजा मिल गई? सिर्फ पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान अल्लाह चला रहा है, माइंड यू ये पाकिस्तान सिर्फ अल्लाह चला रहा है और इस पाकिस्तान को मजीद अल्लाह चलाएगा। लेकिन फिर भी नाल इबलीस दे यारी तो नाल इबलीस दे यारी तो देखिए वो आप सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इबलीस ये कहता है साथ में कि भाई तू तो अभी फारिग हो जाएगा, लेकिन जब वही एक स्पिरिचुअल गाइड कहती है कि तेरा वक्त लिखा हुआ है, तू उस वक्त फारिग होना है, कोई फर्क कर नहीं है, मगर कर जा वो काम कि जो अल्लाह को पसंद आ जाए। कट के लिए बहुत बहुत गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का हस्बे मामूल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जारी रहेगा क्योंकि देखते रहिएगा खबर की खैर नहीं।